नोटिस वापिस कराओ सरपंचा का की कसूर है एरिया बहुत लंबा सर सरपंच एकता जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद आपका नाम जी? मेरा नाम गजन सिंह गोविंदपुरा। आज किस मसले को लेकर ये सभी सरपंच लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जो हमें आज हमारा जो मुख्य विषय है उपायुक्त महोदय को मिलने के लिए हम जिला की सरपंच से एसोसिएशन आई हुई है कि जो सरपंचों को पराली जलाने के बाबत नोटिस भेजे गए हैं ये बिल्कुल निराधार हैं। सरपंचों को ग्राम के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए चुना हुआ है और उनकी आवाज़ को बुलंद करना उनके कार्य करना सरपंचों का दायित्व है, लेकिन सरकार और प्रशासन का सहयोग निरंतर सरपंच करते आ रहे हैं। जो जानकारी अभी हमारे सरपंचों के पास नोटिस आए हैं उस बाबत डीसी साहब को मिलने आए हैं कि ये जो नोटिस आपने भेजे हैं ये बिल्कुल गलत है। किस किस खेत में जाके किस किस घर में जाके सरपंच आग लगाने से रोक सकता है? लोगों को जागरूक करना सरपंचों का काम है, पंचायतों का काम है। वो हम मंदिरों के गुरुद्वारों के मुनादी के माध्यम से ग्राम सभा के माध्यम से वो कार्य हम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक सरपंच तो चुनाव प्रतिनिधि है, उससे काम एज एम्प्लॉय की तरह डील हो रहा है? देखो ये बिल्कुल हमारे साथ एक धक्केशाही वाली बात है। हम जन प्रतिनिधि हैं, लोगों द्वारा चुने गए हैं। ये कार्य है कर्मचारियों का जो मोटी तनख्वाह ले रहे हैं सरकार के जो काम कर रहे हैं। हमारा काम है मूलभूत सुविधाएं पैदा करना और उनको लोगों तक पहुंचाना। अब देखिए पराली जलाने के लिए तो नोटिस हमारे पास आ गए, लेकिन हमारे गांवों के हजारों सैकड़ों एकड़ अभी बारिश के कारण फसलें खराब हो गई। क्या उसकी गिरदावरी की हमें पावर दोगे कि किसका खेत खराब हो गया, उसके खेत को जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए भी सरपंच को मनोनीत किया जाए? ये दोहरी मापदंड ना अपनाए जाएं। ये काम सरपंचों का नहीं है कि एक एक खेत को वो डिसाइड करें। पटवारी का क्या काम है, नंबरदार तनख्वाह लेता है, उसका क्या काम है? ये जिम्मेवारी प्रशासन की अधिकारियों की है, ना कि सरपंचों की।